नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी ने नए संसद भवन में राष्ट्रपति को न बुलाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि जब नई संसद की नींव रखी गई थी तब भी राष्ट्रपति को दूर रखा गया और अब नए संसद भवन के उद्घाटन से भी राष्ट्रपति को दूर रखा जा रहा है, ये न्यायोचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति जी से आग्रह करके उन्हें उद्घाटन में बुलाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ साल पहले कोरोना महामारी के दौरान जब देश में त्राही त्राही मची थी तब नई संसद बनाने का फैसला किया गया। आज तक दुनिया के किसी प्रजातंत्र ने अपनी संसद को नहीं बदला है। राहुल गांधी ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने भारत के राष्ट्रपति का चुनाव केवल चुनावी कारणों से दलित और आदिवासी समुदायों से सुनिश्चित किया, जबकि पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद को नए संसद के शिलान्यास समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भी नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, जबकि भारत की संसद भारत गणराज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है और भारत का राष्ट्रपति इसका सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि वह अकेले ही सरकार विपक्ष और हर नागरिक का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं। वो भारत के प्रथम नागरिक हैं। उनके द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने बार बार मर्यादा का अपमान किया है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय भाजपा आरएसएस सरकार के तहत प्रतीकवाद तक ही सिमट गया है। विपक्षी एकता मिशन पर निकले बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। एक दिन पहले यानी रविवार को नीतीश और तेजस्वी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। बता दें, पिछले एक महीने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को घेरने के लिए गैर बीजेपी मोर्चा बनाने के अपने प्रयास के तहत कई प्रमुख विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है। समझा जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात में नीतीश विभिन्न विपक्षी नेताओं के साथ हुई बातचीत का विवरण साझा कर रहे हैं और शायद पटना में एक बड़े विपक्षी सम्मेलन की तारीख तय करेंगे। सीएम शिवराज ने पत्नी के साथ चूल्हे पर खाना बनाने का वीडियो शेयर किया। इस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि कमलनाथ के सीएम बनते ही आपको भी 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। बता दें, कांग्रेस ने अभी तक जो वादे किए हैं उसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश की जनता को गैस सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा, हर महिला को 1500 रुपए प्रति महीना मिलेगा, बिजली 100 यूनिट माफ होगी और 200 यूनिट हाफ होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा और पुरानी पेंशन योजना भी लागू होगी। कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक में हमने वादा निभाया, अब एमपी में निभाएंगे। जय जनता, जय कांग्रेस। कांग्रेस ने टेलीग्राफ की उस खबर का जवाब दिया है जिसमें कहा गया है कि चीन देपसांग क्षेत्र में भारत के अंदर बनी लाइनों के भीतर बफर जोन बनाने की मांग कर रहा है। कांग्रेस ने कहा कि भारत पहले ही मोदी के ना कोई घुसा हुआ है बयान का भारी कीमत चुका रहा है। ये बेहद गंभीर बात है कि मोदी सरकार पिछले 3 वर्षों में पहले की स्थिति बहाल करने में विफल रही है। इस स्थिति को और बिगड़ने देना क्षमा ना करने योग्य अपराध होगा। कांग्रेस ने कहा कि अब हमें पता चला है कि चीन पीछे हटना तो दूर, भारतीय क्षेत्र में 15 से 20 किलोमीटर तक बफर जोन बनाने की मांग कर रहा है, जबकि वो पहले ही हमारे क्षेत्र में 18 किलोमीटर अंदर घुस चुका है। चीन की वापसी के बदले में भारतीय सरकार पहले ही बफर जोन के लिए सहमति जताकर भारतीय क्षेत्र में गलवान, पेंगोंगसो, कोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग इलाके में भारतीय भूमि का त्याग कर चुकी है। लेकिन अब मोदी सरकार को चीन के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। भारत 1000 वर्ग किलोमीटर के देपसांग मैदानों तक अपनी पहुँच नहीं खो सकता है, जो चीनी और पाकिस्तानी सेना को अलग करता है। ये क्षेत्र लद्दाख क्षेत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। काले धन का भूत पीछा ही नहीं छोड़ता है। बता दें, 2016 में 1000 रुपये व 500 रुपये के नोट बंद कर और 2000 रुपये व 500 के नए नोट निकाल कर काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, ऐसा कहा गया था। लेकिन अब फिर काले धन की बात हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार के 2000 रुपये के नोट वापस लिए जाने के नियमों को तो काले धन वालों के लिए सुविधाजनक बताया है। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट में कहा है, बैंकों ने साफ किया है कि 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए किसी पहचान पत्र, फॉर्म और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। भाजपा का ये तर्क कि
काले धन का पता लगाने के लिए 2000 रुपए के नोटों को वापस लिया जा रहा है ध्वस्त हो गया है। साधारण लोगों के पास 2000 रुपए के नोट नहीं है। 2016 में पेश किए जाने के तुरंत बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। ये नोट दैनिक खुदरा विनिमय के लिए बेकार थे। उन्होंने आगे कहा है कि 2000 रुपए के नोट किसने रखे और उनका इस्तेमाल किया, आप जवाब जानते हैं। 2000 रुपए के नोट ने केवल कालाधन रखने वालों को आसानी से अपना पैसा जमा करने में मदद की। 2000 रुपए के नोट रखने वालों का अपने नोट बदलने के लिए रेड कारपेट पर स्वागत किया जा रहा है। काले धन को जड़ से खत्म करने के सरकार के घोषित उद्देश्य के लिए बहुत कुछ है। उत्तराखंड में बीजेपी नेता यशपाल बेनाम की बेटी और मुस्लिम लड़के की शादी को रद्द कर दिया गया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी नेता ने हिंदुत्व संगठनों के दबाव के बाद अपनी बेटी की शादी रद्द की है। पौड़ी गढ़वाल नगर पालिका के अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बेटी मोनिका की शादी 28 मई को मूल रूप से अमेठी के रहने वाले मोनिस अहमद के साथ होनी तय थी। मोनिका और मोनिस की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विवाद हो गया। इस शादी को लेकर कई लोगों ने बीजेपी के सदस्य और समर्थक यशपाल बेनाम की आलोचना की। हिंदुत्व संगठनों ने इस शादी का जोर शोर से विरोध किया। विरोध करने वालों ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब शादी किससे करनी है। ये नफरत के सौदागर तय करेंगे। क्या हाशिए के संगठनों के दबाव में युवक युवती की शादी नहीं होगी? क्या सोशल मीडिया के ट्रोल लोगों की जिंदगियां तय करेंगे? देश में विपक्षी एकता की तैयारी में जुटे नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज किया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर बिहार सरकार के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और दावा किया है कि उन्हें कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं मानता। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पिकनिक मना रहे हैं, देश में घूम घूम कर बिहार सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनकी बिहार में कोई जमीन नहीं है, ये सोचते हैं कि घूम कर एक माहौल बना देंगे कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, इनको कोई नहीं मानने वाला। उन्होंने आगे कहा, सब पार्टी सोचती हैं कि हम अपने स्टेट में अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी को कोई नहीं मानने वाला है, मान के भी देख लें बिहार में ये जीरो पर आउट होंगे। यौन उत्पीड़न के मुलजिम रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपना नार्को एनालिसिस कराने के लिए शर्त रखी है। उनका कहना है कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने को तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को भी ये टेस्ट कराना चाहिए। अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं तो कॉल करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करें। मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं इसके लिए भी तैयार हूं। भाजपा सांसद ने ये बात रविवार को अपने फेसबुक पोस्ट में कही। बता दें, भाजपा सांसद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवान लगभग एक महीने से जंतर मंतर पर बैठी हैं, लेकिन इस मामले में सिर्फ FIR दर्ज करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहलवानों के मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में अब विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण की चुनौती मंजूर करते हुए कहा है कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। विनेश फोगाट ने सोमवार को मीडिया से कहा, उन्होंने नाम लिया है विनेश और बजरंग का। मैं आपके माध्यम से ब्रजभूषण जी से कहना चाहती हूँ कि विनेश ही नहीं, जितनी भी लड़कियाँ जिन्होंने कंप्लेंट की है वो सब रेडी हैं नार्को टेस्ट के लिए। उन्होंने आगे कहा, और नार्को टेस्ट लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ कितनी दरिंदगी और ज्यादती की है, पूरे देश को दिखना चाहिए। इस पर बजरंग पुनिया की भी प्रतिक्रिया सामने आई। बजरंग पुनिया ने भी कहा है कि फेडरेशन के घोटाले गिनने हैं तो हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। बजरंग पुनिया ने कहा कि लड़कियों के कोच का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले के मुद्दे पर फिर से सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव हमारे सैनिकों के शवों पर लड़े गए थे और अगर इस घटना की जांच होती तो तत्कालीन गृहमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी को सूचित किया था, लेकिन PM ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा था। सत्यपाल मलिक ने लोगों से सरकार बदलने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता ही इस सरकार को हटा सकती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बार चूके तो इसके बाद आपको वोट देने का मौका नहीं मिलेगा, चुनाव ही नहीं होगा। सत्यपाल मलिक अलवर जिले के बानसूर में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह हैं जो डंडे से देश को चलाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर एक ऑर्डिनेंस से पलट दिया जाएगा तब देश में संविधान, लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट कहाँ बचा। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां इस तानाशाही के खिलाफ खड़ी हों।
अगर कांग्रेस इस अध्यादेश को सही कह रही है तो वो बीजेपी के साथ खड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब बीजेपी भ्रष्टाचार पर बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर ज्ञान दे रहा हो। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की एक तस्वीर को ट्वीट किया है जिसमें उन्हें तबीयत खराब होने पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लाया गया है। कमजोर दिख रहे सत्येंद्र जैन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी सरकार के इस अहंकार और जुल्म को दिल्ली और देश के लोग अच्छे से देख रहे हैं। भगवान भी इन अत्याचारियों को कभी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने भी एक अन्य अकाउंट से ट्वीट की गई उस तस्वीर को रीट्वीट किया है। आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाने की सजा काट रहे सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट आई है। ट्वीट में सत्येंद्र जैन के वकील के हवाले से दावा किया गया है कि उनका 35 किलोग्राम कम हो गया है। टीएमसी की महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें हाईकोर्ट ने पैसे लेकर स्कूलों में नौकरी देने के मामले में ईडी और सीबीआई को उनके खिलाफ जांच की इजाज़त दे दी है। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 26 मई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय अवकाशकालीन बेंच के सामने ये मामला अभिषेक बैनर्जी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल को सीबीआई और ईडी को इस मामले में जांच का आदेश दिया। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।